दोस्तों अगर आप भी रिंकू को एक लाजवाब खिलाड़ी और बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों दुनिया में फिलहाल छा चुके हैं रिंकू सिंह गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी अविश्वसनीय पारी के बाद। दोस्तों गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर में ऐसा जमकर धोया रिंकू सिंह ने, मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों आखिरी छह गेंद पर 28 रनों की दरकार थी, लगभग हर गेंद पर छक्का चाहिए था केकेआर को मुकाबला जीतने के लिए, और वो चार गेंदों पर चार छक्के और आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर रिंकू सिंह ने नामुमकिन मुकाबला केकेआर को जिताया। दोस्तों आप सभी को बता दें, रिंकू सिंह ने एक ही ओवर के बाद पूरे आईपीएल के इतिहास को उलट पुलट कर रख दिया है। दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा आखिरी ओवर में रन बनाए हैं रिंकू सिंह ने 29 रन। इससे पहले विजाज में 23 रन बने थे पंजाब के बीच में 2016 में। दोस्तों आप सभी को बता दें, यश दयाल ने 70 रन खाए इस मैच में, जबकि 70 रन बेसल थम्पी ने खाए थे आरसीबी के खिलाफ। दोस्तों इससे पहले 5 छक्के क्रिस गेल ने लगाए थे, राहुल त्रिवातिया ने लगाए थे, सार जाडेजा ने लगाए थे, और रिंकू सिंह पांचवें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही ओवर में 5 छक्के लगाए हैं आईपीएल के इतिहास में। दोस्तों एक ही ओवर से यश दयाल के रिंकू सिंह ने पूरी हिस्ट्री को उलट पुलट दिया है आईपीएल की, और केकेआर ने 3 विकेटों से एक शानदार मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों आप रिंकू सिंह की ऐतिहासिक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे हमें कमेंट में बताएं, और आगे देखिए आज के मुकाबले की पूरी। दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का सबसे तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम गुजरात टाइटंस के 204 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। दोस्तों लक्ष्य काफी बड़ा था, ऐसे में टारगेट का पीछा करने रहमतुल्लाह गरबाज और जगदीश शन केकेआर की तरफ से सलामी बल्लेबाज बनकर आए। लेकिन आते ही इस मुकाबले में गुरबाज 15 रन बनाकर शामी की शॉर्ट गेंद पर दयाल को इस तरीके से कैच दे बैठे और 15 रन बनाकर गरबाज आउट हुए। उनके ठीक बाद जगदीशन बीच मात्र 6 रन बनाकर जोशुआ स्लेटिल की इस गेंद पर अपने बल्ले कैच दे बैठे और पीछे जगदीशन के हाथों में मार बैठे और 6 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद वेंकटेश अय्यर आए, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और देखते ही देखते वेंकटेश अय्यर ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की तरफ से आईपीएल 2023 का अपना पहला अर्धशतक लगाया। लेकिन अर्धशतक लगाकर 83 रन तक ये तूफानी बल्लेबाजी कर चुके थे, तभी अल्जरी जोसेफ की इस गेंद पर शॉर्ट गेंद पर बल्ले कैच दे बैठे और पीछे कैच दे बैठे 83 रन बनाकर 40 गेंदों का सामना करते हुए वेंकटेश अय्यर आउट हुए। उनके ठीक बाद आते ही राशिद खान ने अपने पहले ही ओवर में इस तरह से रसल को आउट किया मात्र 1 रन बनाकर। रसल के बाद नारायण आए, अगली ही गेंद पर राशिद खान ने नारायण को भी उसी गेंद पर फंसाया और फील्डर के हाथों से आउट करा दिया कैच आउट। नारायण 0 रन पर आउट हुए। तीसरी गेंद पर आए शार्दुल ठाकुर और ये भी आते ही 0 रन पर आउट हुए और राशिद खान के ओवर में हैट्रिक आ गई। जी हाँ दोस्तों, राशिद खान ने हैट्रिक ली। लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर में जीत के लिए 28 रनों की दरकार थी और रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे यश दयाल गेंदबाज से। दोस्तों जैसे ही सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास आई, पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। पूरी गुजरात टाइटंस की टीम प्रेशर में आ चुकी थी, अंत में 2 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी, अगली गेंद पर भी रिंकू सिंह ने छक्का लगा दिया। 201 गेंद पर अब 4 रनों की दरकार थी, रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे और आखिरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने छक्का लगाकर 5 छक्के लगाकर केकेआर को 3 विकेटों से मुकाबला जिता दिया। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह ने एक नामुमकिन काम कर दिया इस मुकाबले में। 48 रनों की पारी खेली, सिर्फ 21 गेंदों में 6 छक्के लगाकर रिंकू सिंह ने एक 99% हारा मुकाबला केकेआर को जिताया। लेकिन दोस्तों आप रिंकू सिंह की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप रिंकू सिंह को एक लाजवाब बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों गुजरात टाइटंस के पर छक्के उड़कर रह गए कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस के आईपीएल 2023 के 13वें मुकाबले में, जहां गुजरात टाइटंस ने पहली इनिंग में 204 रन लगा दिए थे। इतने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए केकेआर को आखिरी 6 गेंदों पर 29 रनों की दरकार थी स्ट्राइक रिंकू सिंह के पास। दोस्तों जैसे उनके पास स्ट्राइक आई, अगली गेंद पर यश दयाल की पहली गेंद पर छक्का लगा दिया और अपनी इनिंग का आगाज किया रिंकू सिंह ने। दोस्तों लेकिन अभी भी 5 गेंदों पर 5 छक्कों की जरूरत थी, फिर भी रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी, लगातार एक के बाद एक बड़े शॉट खेले। दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्का लगाया, केकेआर की उम्मीद जग गई, अंपायर का हाथ दुख रहा था हाथ ऊपर कर। दोस्तों जैसे यश दयाल ने तीसरी गेंद पे की तो रिंकू सिंह ने भी इस गेंद पर भी हवाई फायर किया और इस गेंद पर भी छक्का लगा दिया। दोस्तों 4 गेंदों पर 4 छक्के लगा दिए रिंकू सिंह ने, अब एक गेंद पर 4 रनों की दरकार थी। जैसे ही यश दयाल ने एक और बार स्लोअर गेंद फेंकी रिंकू सिंह को, तो इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए रिंकू सिंह ने पार कर दिया गेंद को और गेंद गई सीधा बाउंड्री के पार और एक नामुमकिन मुकाबला रिंकू सिंह ने जिताया केकेआर को। दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था कि 5 गेंदों पर 28 रन लगेंगे रिंकू सिंह के बल्ले से। राशिद खान तो मैदान पर रोने लगे और रिंकू सिंह ने केकेआर को यह मुकाबला 3 विकेटों से जिता दिया। लेकिन दोस्तों आप रिंकू सिंह की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप रिंकू सिंह को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस के आईपीएल 2023 के मुकाबले में रिंकू सिंह ने इतिहास रचा, जहां केकेआर की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी और स्ट्राइक पर थे हमारे रिंकू सिंह। दोस्तों रिंकू सिंह स्ट्राइक पर थे, गेंदबाज थे यश दयाल, 6 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी। दोस्तों यश दयाल की पहली गेंद पर उमेश यादव ने स्ट्राइक दे दी और पहली गेंद पर छक्का लगाया रिंकू सिंह ने। दूसरी गेंद जैसे यश दयाल ने भेजी लेग साइड पर, तो लेग साइड पर भी रिंकू सिंह ने बेहतरीन तरीके से इस तरीके से छक्का जड़ दिया, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर भी रिंकू सिंह ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। चौथी गेंद पर भी फुल टॉस पे गया यश दयाल ने इस तरीके से, तो इस गेंद पर भी सामने की तरफ छक्का लगाया रिंकू सिंह ने। एक गेंद पर 4 रन चाहिए थे जीत के लिए। आखिरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने सामने की तरफ शॉट खेला और ये भी गेंद गई छक्के की ओर, जिसके चलते रिंकू सिंह ने एक नामुमकिन मुकाबला जीता दिया केकेआर की टीम को। 248 रन लगाए रिंकू सिंह ने 21 गेंदों में और आखिरी 6 गेंदों पर 28 रन लगाकर केकेआर को नामुमकिन मुकाबला जिता दिया। लेकिन दोस्तों आप रिंकू सिंह की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों रिंकू सिंह ने इतिहास रचा है आईपीएल के क्रिकेट के करियर में। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले के आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के गेंदबाज यश दयाल के ऊपर ऐसी बेरहमी से बल्लेबाजी की मानो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 5 गेंदों पर 28 रन होना है एक टीम को जीतने के लिए और वो टीम जीत भी सकती है। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद से रिंकू सिंह ने दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर छक्का और पांचवी गेंद पर भी छक्का लगाकर 5 गेंदों पर 5 महाछक्के लगाकर 2 रन ज्यादा लगा दिए जितना टारगेट था जीतने के लिए, और रिंकू सिंह ने इतिहास रच दिया अपनी बल्लेबाजी से आखिरी ओवर में। दोस्तों यश दयाल के एक ओवर ने पूरा इतिहास बदल कर रख दिया आईपीएल का। दोस्तों आखिरी ओवर में सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं फिनिशिंग तौर पर रिंकू सिंह। दोस्तों यश दयाल सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि गेंदबाज के तौर पर एक बल्लेबाज में आखिरी ओवर में पिटे हैं। दोस्तों रिंकू सिंह ने क्रिस गेल, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े बड़े फिनिशरों को पीछे छोड़ दिया है आखिरी ओवर में रन बनाने के मामले में। इससे पहले आखिरी ओवर में 23 रन महेंद्र सिंह धोनी ने लगाए थे और आज रिंकू सिंह ने पूरे 30 रन लगाए हैं 5 गेंदों में, जो अपने आप में ही एक महा रिकॉर्ड है। इसी के साथ कोलकाता की टीम को 3 विकेटों से शानदार जीत दिलाई रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने। लेकिन दोस्तों आपने आज का ऐतिहासिक मुकाबला देखा है या नहीं, हमें कमेंट में बताएं और आप रिंकू सिंह की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आज